बेहतरीन जी। ये हो गए जी फ्राइज, ये आ गए जी सर्विंग डिश में, साथ में इसके फ्राइज केचप में डिप करके, कमाल। ये है जी इनका सैंडविच। अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम मौजूद हैं जी मेन मार्केट गुलबर्ग में। हम आज आए हैं एक ऐसी हिडन प्लेस के ऊपर कि है जुल्फी बर्गर एंड शवारमा। वहां से हम आज खाना चाहते हैं उनका सैंडविच, क्लब सैंडविच या चिकन चीज सैंडविच, जो भी वो होगा। जहां तक हमें लगता है कि ये लाहौर में बेस्ट क्वालिटी और चीप रेट सैंडविच है। सो चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं वहाँ का शवारमा। नो सैंडविच, वहाँ का सैंडविच सॉरी। सो ये हम आ गए हैं जी जुल्फी बर्गर। अस्सलाम वालेकुम जी सर, सैंडविच में क्या क्या है? सर सैंडविच में हमारे पास सैंडविच में तो वैरायटी काफ़ी है। चिकन सैंडविच है, क्लब सैंडविच है, चिकन टिक्का सैंडविच है, शामी अंडा सैंडविच है, स्पेशल सैंडविच है, क्योंकि हमारा जो क्लब है वो फेमस है, आप वो ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा भी आप जो भी चीज़ ट्राई करेंगे इंशाल्लाह आपको अच्छी मिलेगी। तो क्लब सैंडविच है कितने का? क्लब सैंडविच 370 का। 370 का, कोल्सलो और फ्राइज के साथ है। फ्राइज भी साथ है जी। दो कर दें आप, ठीक है, आप बैठे इंशाल्लाह ताला। ओके थैंक यू। अभी हम मार्केट के बीचों बीच बैठ चुके हैं, वेट कर रहे हैं अपने ऑर्डर का सैंडविच। मार्केट जो है ये बिल्कुल एक राउंड है और एक राउंड अबाउट टाइप है, और गुलबर्ग की मेन मार्केट है ऑब्वियसली, और यहाँ सारे फैशन फूड हब है। ज़्यादातर तो यहाँ पे फूड पॉइंट्स हैं, एक यहाँ पे जलालसन है। जलालसन जो है वो एक ग्रोसरी शॉपिंग मॉल है, बाकी उसके अलावा यहाँ पे सारे फूड पॉइंट्स हैं, जिनमें एक ये पॉइंट मैंने आपको दिखाया वेफल्स की, वेफल्स बाय आलमगीर। पीछे गरमांडे वाला भी है, ये भी इसके अंदर ही अगर आपको आवाज़ नहीं देगी। ये शामी बर्गर और ये ब्रेड को सेक लगवा रहे हैं। ये हो गए जी फ्राइज, ब्रेड को लग गया जी सेक। ये भी इसी की शामी है जी चिकन? ये चिकन सैंडविच की है। ठीक हो गया, वो क्लब का चिकन है। वो क्लब का जी हाँ। ये लग रहा है इसका चिकन, क्लब का चिकन लग रहा है जी। और ये चिकन का जी हाँ। जी जी ये क्लब सैंडविच के, क्लब सैंडविच के लिए फ्राई अंडा जी है। ठीक ठीक, ये किसमें मिक्स किया जी आपने? जी मायोनीज में। मायोनीज में बेहतरीन जी। ये इसको फैला दिया अब जी। ये आया जिसके ऊपर सलाद, और ब्रेड के ऊपर जी ये मायोनीज लगा के आप इसके ऊपर रख रहे हैं जी। ये हो गई जी सिंगल लेयर, और डबल लेयर के लिए ऊपर आया जी अंडा। ये आपके फ्राई क्लब सैंडविच है। ठीक, फ्राई अंडे वाले हैं। ठीक हो गया, चिकन सैंडविच है, वजन कंफर्म है। ठीक हो गया जी। सो ये डबल लेयर सैंडविच तैयार है, इसको जरा सेक लगवाया जा रहा है जी जी, फ्रेश रखने के लिए। कटाई हो रही है, ये तो ट्रे में जाएगा वहां से आपने भी। ओके जी, डबल अंडा। ये आ गए जी सर्विंग डिश में, साथ में इसके फ्राइज
थैंक यू जी। सैंडविच हमारे आ गए हैं, बहुत मजे के लग रहे हैं। साथ हमने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर लिया जी, 7 अप। ये है जी उनका सैंडविच, सिंगल स्लाइस, 4 स्लाइस हैं इसके। सिंगल स्लाइस को ट्राई करते हैं केचप में डिप करके। कमाल, वेरी लाइट वेट एंड डाइजेस्टेबल। फ्राइजिंग के कैसे लगे आपको? अच्छे। एक है जी क्लब सैंडविच, क्लब सैंडविच में जो अंडा वो ऑमलेट टाइप है। अच्छा। और जो हमारा ये चिकन सैंडविच है इसमें जो अंडा है वो फ्राई है, एक में ऑमलेट है दूसरे में फ्राई है। दूसरा स्लाइस सैंडविच हमने खा लिया होगा, अब बचते हैं जी बाकी फ्राइज और मायोनीज सैलेड। आप देख सकते हैं बंद गोभी है। सीधी बात है जी, हम बर्गर नहीं है, हमें बंद गोभी का ही पता। काम वैसे हम बर्गरों वाले कर रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं। पंजाब लोग ना हरीसे का बनाते हैं, हरीसा। डन जी, अगले फूड ब्लॉग की भी प्लानिंग हो गई है। निस्बत रोड फ्राइज माशाल्लाह इनके अच्छे हैं, वरना अक्सर आप ऐसा कुछ सैंडविच जिंगर बर्गर या शॉर्मा खाएं उनके साथ जो फ्राइज होते हैं ना, एक तो वो क्वांटिटी में कम होते हैं, दूसरा वो मगरो ला नाश्ते होते हैं, सिर्फ वो फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं। लेकिन उन्होंने फ्राइज भी काफ़ी दिए हैं और सर्विंग इनकी भी काफ़ी अच्छी थी। वी रियली लाइक इट, स्टाफ अच्छा था, कोऑपरेटिव। इतना माशाल्लाह ये हैवी सैंडविच है कि बेगम मेरी ने तो आधा छोड़ दिया। हाँ। और वो पैक हुआ पड़ा साइड पे आधा साइड। तो इस रेट में अगर ये कैसी डिश मिल जाए जो कि बंदा जायके के साथ रज के खा सकता है, तो फैमिली के साथ तो वो भी नीमत ही है। पूरी का शॉपिंग करने आए और यहाँ आके सैंडविच खाए और लिबर्टी से जाके करो जी उसकी मैचिंग नाल, लो लैसा कराओ दुपट्टे तुसी पीको। ये सारा तजुर्बा हो गया होगा, अब भी शादीशुदा है। हाजमे के लिए जी स्प्राइट या 7 अप जरूरी है। गरम आंडे ये आपको कट करना पड़ेगा, ये कट करना पड़ेगा गरम आंडे। खैर है यार, आंडे वाले की भी कमर्शियल हो जाएगी। सो जी हमने सैंडविच खा लिया हुआ, अब हम चलते हैं वापस। सो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया जी तो चैनल को आपने करना जी सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में बताएं जी ऐसी कौन से फूड पॉइंट्स हैं जो हमें एक्सप्लोर करने चाहिए। एक तो बेगम ने सजेस्ट कर दिया जी कि हरीसा। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।